ऑलराइट गाइस, तो आज है 2 अक्टूबर, मम्मी का बर्थडे और मम्मी ड्राइंग रूम में बैठी है और उनको हमारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैं इतनी तेज तेज बोल रहा हूँ और मम्मी सुन नहीं सकती हैं। ऐसे ही होते हैं सारे चैलेंजेस। आ जाओ, अब हम चुप चुप के जाएंगे और मम्मी को बर्थडे सरप्राइज देंगे। मम्मी स्क्रिप्टेड नहीं है। मम्मी सज धज के बैठी हुई है ड्राइंग रूम में, वेट कर रही है कि हम उनको आके बर्थडे विश करें, पर ये हम आपको नहीं बताएंगे। चलो चलो चलो, वो देख वो देख वो देख, उनको नहीं पता चल रहा हम यहाँ पे हैं। अब हम जाएंगे और फिर उनको डरा देंगे। हैप्पी बर्थडे। ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। आप क्या रिएक्शन दिया है, आपको पता ही नहीं था ना हमारे हैप्पी बर्थडे विश करने? नहीं पता था। वो कंफ्यूज हो गया, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये सच क्यों बोल रहे हैं। तो गाइस, मम्मी हो गई है प्रैंक। शाम के 9 बजे सुबह से अब इंट्रो चल रहा है क्योंकि वीडियो पूरी बना चुके हम। आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ड्रॉइंग रूम में बैठ जाती हूँ, तुम आगे मेरे बर्थडे विश कर देना, ठीक है? मेरे को सरप्राइज कर देना। सरप्राइज थंबनेल वाला फेस बनाओ। मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था तुम आओगे। हग दिया। मुझे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड निकला। ये कैसे किया तुमने? ये कैसे किया? मेरे को तो यहाँ पर दिखे भी नहीं तुम लोग आते हुए। मुझे तो आवाज आई नहीं रही थी। मुझे आवाज ही नहीं आई। मेरे को ये कैमरा पकड़ा, इतना ज्यादा बिजी थी फोन में। ये 6 फुट 3 इंच का आदमी नहीं दिखा, कैमरा पकड़ा हुआ 5 फुट 10 इंच का जासूस नहीं दिखा, उसके हाथ में फोन नहीं दिखा, पापा नहीं दिखे, नहीं दिखा। ऐसे नहीं दिखते कभी। मम्मी जी का बर्थडे। तूने मेरे को क्या गिफ्ट दिया? मम्मी की एक्सपेक्टेशन थी 24 गिफ्ट 24 घंटे में, बट कोई नहीं मम्मी सहलेंगे। तो मैंने दिया है गिफ्ट, जिस कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है उस पे माइक जो है अपुन ने दिया। मैं भी गिफ्ट दूंगा मम्मी को, अपुन ने दिया है। और बाकी इससे ज्यादा मम्मी को हमने आज तक कोई गिफ्ट दिया नहीं है, क्योंकि बचपन से प्यार बहुत प्यारा, यही चाहिए प्यारा गिफ्ट दिया तुमने। और मम्मी आपके लिए पतिदेव, आपने क्या दिया पतिदेव? तुम जैसे दो अनमोल रतन। ये भी गिफ्ट आया है, एक और ये आपके लिए बाहर है, फूल है। थैंक यू थैंक यू। ये हमारी तरफ से डेफिनेटली नहीं है। वो क्या कर रहा है? क्यों खराब कर रहा है? गर्लफ्रेंड को देगा ना जाके? मम्मी मेरी प्यारी, मैं उसमें लगा हुआ था पूरा पूरा, दे सकता था पकड़ा देता। ऐसे आप अपने बालों पर लगाओगे ना? क्या रोमांटिक बंदा हूँ मैं यार। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? 70वीं सदी का वो मॉडल भी तो बिठाई हुई है, उनको भी तो कुछ कहो। मैंने क्या कहा? ये लीजिए केक का चीज, मग भी भेजा। How do you feel? Your wife is getting 52 years old. Old. How old. Do you feel? ये मस्त है। ये देखो मैं दिखा दूँ। ये पैन के मम्मी अब किस चाय पीनी है? इस किसको पीनी है? 52 and fabulous. I am 25 and fabulous. Okay, काटो। I am 25 and I am fabulous. बस कर भाई। अच्छा बोले ऐसा होता है। Happy birthday to you. Happy birthday Dimple to Rani you. Dimple Rani कहो तो भी जान दे। To mummy. Happy birthday to you. ये देख लो, बंदा ही खराब है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये चॉकलेट फेशियल। ये देख, मम्मी ऐसे लेकर आ रही थी पापा की तरफ, खाओ खाओ पापा लाइक नहीं खिलाओ ना खिलाओ उनको खिलाओ। ये देखो मेरा हाल। यू लुक क्यूट, मस्त लग रहे हो और केक फेशियल से अच्छे ही हो गए। एक और केक आया। तो अब मम्मी एक केक ऑलरेडी काट चुकी हैं एंड अब चाची जी चाचा जी एंड वरदान लाए हैं। अब एक और केक वो लगा कैंडल और बटर स्कॉच। यू लाइक बटर स्कॉच या चॉकलेट? आई लाइक बटर स्कॉच। कट अप ये ना, ये चाचा चाची ना बहुत पार्शल है, ये इनको पता है कि इनके भाई को ना बटर स्कॉच ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ये लेके आए हैं बटर स्कॉच। हमें पता है कि हमारी भाभी को नहीं पसंद है चॉकलेट। अरे जल्दी काटो, कल सुबह पनवेल निकलना है। चाकू नहीं है काटने को। Happy birthday to you. Birthday to you. To you. May God bless you. Aha aha. Happy birthday to you. Happy birthday to me. चम्मच ले ले, चम्मच से खिला दे। लो एक ही चम्मच को खा रहे, हाथ लगा दो। बहुत है। सबकी तरफ से आ गया। ये देखो
बॉडी मसाजर लेके मसाज कर रहा है, ये कैसे टूटा पड़ा है ये क्या हुआ है भाई 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 बना दिया और क्या एक साल बाद एक्सरसाइज करी है, पूरा शरीर दुख रहा है और ये मसाजर लेके बैठा हुआ है। आपकी कई मसाजर है, आपने ही दिया है कैसे दिन आ गया ना, मम्मी के बर्थडे वाले दिन उन्हीं का मसाजर लेके उनका नौजवान पुत्र लेटा हुआ है बेड पे, लेट के मसाज कर रहा है। एक एक अंग दुख रहा है कसम से, इसके गले के नीचे से सब कुछ, मतलब छाती तो कभी नहीं दुखती वो तक दुख रही है, बाजू में छाती, पेट भी दुख रहा है, लाते भी दुख रही है, पैर भी दुख रहा है, अब पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। तो अभी हम तैयार हो गए, ये देखो मैंने हील पहन के मैं इनके बराबर हो गई हूँ, नहीं तो मैं छोटी लगती हूँ, मैं छोटी लगती हूँ ना, मैं हील पहन के बराबर। क्या बोले बहुत तेज हो रहे हो हैं। फाइनली पता नहीं कितने सालों बाद मम्मी के बर्थडे पे डिनर करने जा रहे हैं। एक्चुअली बहुत साल, मैं तो मम्मी के बर्थडे पे हमेशा खाना घर ही आता है, मम्मी कहती है मेरे को बाहर नहीं जाना पसंद है। दुआ ये करो कि खाना मिल जाए, निकलेंगे तो ही मिलेगा, जब तक फुकरा इंसान है 12, 1, 2, 3 जब बोलोगे तब खाना। जब ये छोटे होते थे तो हम 2 अक्टूबर पे इतना जाते थे पिकनिक मनाने, और जब से ये बड़े हुए हैं ये जाते ही नहीं गए, इनको मेरे ये अकेले चले जाते हैं, अकेले ही चले जाते हैं, अकेले ही चले जाते हैं, ये क्या हो रहा है, अकेले ही चले जाते हैं, ये अकेले ही चले जाते हैं। पिताजी जो है वो कहते हैं खाना घर ही मंगवा लो, कोई बात नहीं। पापा तो कभी भी बोलोगे बाहर चले, नहीं वो मेरा फोन आना है, मेरे बंदे आने हैं, मेरे बंदे आने हैं बाहर। एक दिन हम मूवी देखने जा रहे थे, 4 बजे हमने बोला मूवी देखने चलते हैं, 7 बजे तक वापसी, कह रहे नहीं मेरे बंदे नहीं आना है, हम मूवी देख के आ गए, खाना वाना खा लिया, बंदे तब भी नहीं आए, बंदे आ गए शाम को, कह रहे वो तो 9 बजे आना था, मैं तैयारी कर रहे थे बंदे की स्वागत की, पूजा थाली लेके फूल बरसा के। हाँ तो हम निकले थे घर से एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट जाने के लिए, फिर वहाँ पे बहुत रश था क्योंकि आज सैटरडे है, तो हमने डिसाइड करा एक 5-स्टार होटल जाते हैं, एंड हमने वहाँ पे फोन करके बुकिंग भी ले ली, वो कहता आधे घंटे में आ जाओ, लेकिन रास्ते में ही थे हम कि हम अचानक से रुक गए हैं ठेले पे तो मम्मी कैसा लग रहा है आपको फ्रॉम अ 5-स्टार होटल टू अ ठेला अपग्रेड? कि जब भी हम कहीं निकलते हैं ना खाना खाने और हमारा पोपट हो जाता है, हमें कहीं जगह ही नहीं मिलती, बताओ। बुकिंग दे दिया करो भाई, ट्रिगर्ड इंसान 10 मिलियन सबसे 12.5 मिलियन एक पे, 7.5 दूसरे, 20 कंबाइंड, टेबल नहीं है आज दो ऑल द होटल्स रीच आउट टू ट्रिगर्ड इंसान सीरियसली, मतलब हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है हम कुछ सोच के निकलते हैं वो होता नहीं है, उसके बाद हमारे साथ मस्त, वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने पनीर बर्गर ऑर्डर करा है, ठेले का पनीर बर्गर से अच्छा कुछ नहीं होता, मतलब ठेले के पनीर बर्गर से अच्छा सिर्फ एक चीज होता है, क्या? ठेले के पनीर मोमोस, दैट आई एग्री, दैट आई एग्री, वो भी नहीं है उनके पास, वो नहीं है, लेकिन यार वो पनीर बर्गर के अंदर वो एक पनीर का स्लाइस टमाटर के साथ, जा रहा हूँ 5-स्टार होटल पे, इसके 5-स्टार भी जाएंगे, इतना खाएगा। यहाँ पे आए थे हम खाना खाने, और यहाँ पे हमें इतने सारे फैंस मिल गए, इतने सारे फैंस मिल गए, तो हम फाइनली 5-स्टार में पहुंच गए थे, एंड वहाँ पे हाँ, और वहाँ पे अभी मेन्यू लेके खाना खाने बैठी थे, एंड जितने यहाँ पे थे लोग ऑलमोस्ट सभी ने रिकग्नाइज कर लिया, ऑलमोस्ट एवरीबडी रिकग्नाइज हिम ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो था ही नहीं, ये वॉशरूम में था, मैं वॉशरूम में था, एंड मैं जैसे ही आया बहुत करता है 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह, और मैं जैसे ही बाहर आया वॉशरूम से और टेबल पे बैठा, तेरी तेरा दे मुझे, मैंने पहले भी बताया मुझे बहुत ज्यादा ऑकवर्डनेस हो जाती है, मेरे को शर्म आने लग जाती है, वो बच्चे आए फोटो खिंचाने एंड वो शर्मा रहे थे, तू की शर्मा रहा, मैं शर्मा रहा हूँ, आजा भाई साहब किसी और को रिकॉर्ड करिए, ये देखो ये मम्मी के हाथ में कैमरा पकड़ा दी, तो शादी वाली वीडियोग्राफर बन गई है, ले लो जूम इन जूम इन, कैसी दाल है ये देखो, सिर्फ दाल खाने वाले हैं ये, और भी सब्जी है, ये खाता ही दाल है, ये देख। हैप्पी बर्थडे टू यू, मम्मी के लिए हैप्पी बर्थडे बजवाया पापा ने, क्या बात है, पापा तो बड़े स्वीट है भाई, होलसम,
आपके लिए बज रहा है। साल साल के दिन हो 50,000। पापा तो बड़े रोमांटिक। पापा स्पेशल उठ के गए यहाँ से, वहाँ पे जा रहे थे। मैंने कहा क्या करने जा रहे हैं, वापस आए एकदम से आती है अनाउंसमेंट, हैप्पी बर्थडे डिंपल जी। ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू डिंपल जी, हैप्पी बर्थडे टू डिंपल जी। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया यार, बहुत शर्मा रही है मम्मी, शाय हो गई है। ओके तो फाइनली वी आर बैक फॉर मम्मीज व्लॉग। तो कैसा रहा आज का दिन? बहुत सारा खाना खाया और बहुत बढ़िया रहा दिन आज हमारा। और वीडियो लाइक करना, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यस, अगले व्लॉग में मिलेंगे, अगले बर्थडे पे या अगले मिलियन पे।